आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा शूटिंग टॉय बनाएंगे जो कि शायद ही आपने यूट्यूब पे कहीं देखा होगा। इसकी साइज़ के हिसाब से इसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ये जो शूटिंग टॉय है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और हाँ, इस पूरी भी वीडियो में मैं आपको हिंदी में बोल बोल कर एक एक चीज़ आसानी से समझाऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक 5 रुपये वाला पेन लेंगे, 8 सेंटीमीटर की मार्किंग करेंगे और आरी की हेल्प से उसे काट लेंगे। अब एक बोतल का कैप लेंगे और पेन की साइज़ के हिसाब से ढक्कन में दोनों साइड होल कर लेंगे। और होल करने के लिए आप कैंची, सीजर या फिर सोल्डरिंग आयरन का भी यूज़ कर सकते हो। तो पेन को ढक्कन में लगाने के बाद ढक्कन के बीचों बीच पेन पर मार्कर की हेल्प से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद आरी की हेल्प से पेन का आधा हिस्सा कुछ इस तरीके से काट लेंगे। अब एक प्लास्टिक का टुकड़ा लेंगे और मार्किंग करने के बाद उसे कुछ इस तरीके से काट लेंगे। प्लास्टिक के टुकड़े को ढक्कन पर कुछ इस तरीके से रखने के बाद मार्कर की हेल्प से दोनों साइड मार्क लगा लेंगे। मार्किंग करने के बाद कटर की हेल्प से जहाँ जहाँ हमने मार्क लगाया है उतनी उतनी जगह को काट लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने काट लिया है। अब हमारा जो प्लास्टिक का टुकड़ा है ये इसके अंदर आसानी से अंदर और बाहर जा रहा है। अब 9 सेंटीमीटर का एक पेपर लेंगे और साइकिल स्पोक यानी साइकिल की ताड़ी को रखकर कुछ इस तरीके से इसका रोल बना लेंगे। अब इसे ग्लू से चिपका देंगे और साइकिल की ताड़ी को बाहर निकाल लेंगे। अब पेपर रोल को रिफिल के अंदर डालेंगे और बचा हुआ जो हिस्सा है उस पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम 2 रबर बैंड लेंगे और कुछ इस तरीके से लगा देंगे और धागे की मदद से इन्हें जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ पर बांध देंगे। धागे को लपेट कर काटने के बाद उसके ऊपर सुपर ग्लू लगा देंगे। थोड़ा सा सुपर ग्लू सामने भी लगा देंगे। अब पेपर रोल को रिफिल के अंदर डालेंगे और बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से खींच लेंगे और इस तरीके से सेट करने के बाद मार्कर से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। अब कटर की हेल्प से जो रबर वाली साइड है उस तरफ सीधा कट लगाएंगे और आखिर वाला जो साइड है उस तरफ तीसरा कट लगाएंगे। तो काटने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और आपको भी कुछ इस तरीके से ही काटना है। अब सुपर ग्लू यहाँ पर लगा देंगे जिससे कि ये मजबूत हो जाएगा और थोड़ा सा सुपर ग्लू इस पेन रिफिल और ढक्कन के बीच में भी लगा देंगे। तो इस कटे हुए प्लास्टिक पीस को यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देंगे और लगाने के बाद दबा देंगे और एक प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा लेंगे और ग्लू की हेल्प से यहाँ पर कुछ इस तरीके से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद एक स्प्रिंग पर प्लास्टिक की स्टिक को चिपका देंगे और इस स्प्रिंग को यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे जिससे कि हमारा जो ट्रिगर तैयार हो जाएगा और जब भी हम इसे दबाएंगे वापस ये सीधा हो जाएगा। प्लास्टिक पर ढक्कन की साइज़ का एक गोल पहिया काट लेंगे और यहाँ पर लगाने के बाद सुपर ग्लू से इसे भी चिपका देंगे। अब इसमें से शूट करने के लिए बुलेट बनाएंगे और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले पेपर की एक बुलेट बना लेंगे। रोल करने के बाद इसे ग्लू से चिपका देंगे। अभी एक छोटी सी कील लेंगे और यहाँ पर इसे अंदर कुछ इस तरीके से लगा देंगे। आप चाहो तो सिंपल पेपर की बुलेट भी यूज़ कर सकते हो। अभी सुपर ग्लू की मदद से इसे चिपका देंगे और पीछे भी थोड़ा सा सुपर ग्लू लगा देंगे।